सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूशन। तो आज के स्टूडियो में आप लोगों को क्लास 12 का चैप्टर नंबर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला था। आपने इस ये चैप्टर जब पढ़ा होगा तो देखा होगा क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी, कॉटन बॉल वर्म्स, कॉर्न बॉल, ये सब ऐसा एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये चीज कंफ्यूजिंग है। जो नए स्टूडेंट उनको बताना चाहता हूँ, इस चैनल पे मैं स्पेशल ट्रिक्स बताता हूँ। ट्रिक्स सब कुछ नहीं बताता, जो पॉसिबल होता है वही बताता हूँ। इसके अलावा ही आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा टॉपिक याद नहीं होता है, तो आप ट्रिक्स से देख सकते हो, वरना आप एज यूजल पढ़ के भी कर सकते हो। इसके साथ ही मेरे सारे ट्रिक्स के पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे कि प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन, तो यहाँ पे दो क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म, उसके बाद है क्राई वन ए बी कंट्रोल द कॉर्न बॉरर। तो अब आपको क्या याद रखना है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे देखो क्राई क्राई सेम है, ए बी ए सी बिल्कुल, ये तीन ही चीज छोटा चीज है बट बहुत कंफ्यूज करता है। तो आपको एक चीज याद रखना है, तो आपको क्या सिंपल याद रखना है, तो कॉर्न कॉर्न वर्ड आई थिंक कि सब जानते हो, स्वीट कॉर्न वगैरह, कॉर्न वर्ड जानना है आपको। उसके बाद आपको याद रखना वन, क्या याद रखना आपको, कॉर्न वन, उसके बाद वन के साथ याद रखना ए और बी, क्या बोला मैंने, सी ओ आर एन कॉर्न, कॉर्न के बाद वन वन, उसके ए बी सी डी में आपको याद रखना ए बी, कॉर्न वन ए बी, ये याद रखना है। आपने याद रख लिया, क्यों बोल रहा हूँ अभी आगे आगे तक देखो। तो देखो यहाँ पे आया कॉटन बॉल वॉर्म और इसमें आया कॉर्न बोरर, इसका समझ में आपको आ रहा है, यहाँ पे इसको मैंने लिया है। क्या मैंने बताया, कॉर्न बोरर में आपको क्या याद रखना, एक ट्रिक ये दोनों में याद रखना, कॉर्न वन ए बी, इसका मतलब ये देखो क्राई 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 सब में सेम है, ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, वन ए बी कंट्रोल द कॉर्न बॉरर, इसलिए मैंने आपको याद रखा रहा है कि कॉर्न वन ए बी, क्यों, क्राई तो सब में होगा ही, क्राई क्राई, अब आपको ये क्या याद रखना, वन ए बी, वन ए बी ये क्या कंट्रोल करता है, कॉर्न, कॉर्न मतलब कॉर्न बोरर, ये आपको ट्रिक से याद हो गया। बाकी जो भी आएगा आपको याद है, कॉटन बॉल वॉर्म या फिर क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए आपको कॉर्न वन ए बी याद रखना है। इसके अलावा जो भी होगा वो कॉटन बॉल वॉर्म, कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि कॉटन बॉल वॉर्म में क्या क्या हो जाएगा आपका, क्राई वन ए सी और इसमें क्राई टू ए बी, यानी आपको क्या याद रखना है, कॉर्न वन ए बी, ये देखो कॉर्न बोरर, बाकी ये दोनों जो बच गया वो आपका कॉटन बॉल वॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।